हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से कुछ पोस्ट आपकी निकाली गई है आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए, जहां पर आपकी पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए आपके एग्जाम डेट दे दी गई है। तो यहाँ पर नोटिस की तरफ चलते हैं कि नोटिस में आपको क्या दिया गया है। देखो, नोटिस देखने के लिए क्या करना है, नोटिस देखने के लिए AWES की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको इस तरीके का नोटिस वहां पर मिलेगा। तो एक बार बता देती हूँ मैं आपको, इस नोटिस में आपको क्या दिया गया है, क्या करने के लिए बोला गया है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात की गई है, कैंडिडेट्स हैव टू गो टू द EWES वेबसाइट, ठीक है। ये इन्होंने वेबसाइट दे दी है अपनी, एंड क्लिक ऑन द ऑप्शन रजिस्टर। तो जिसने रजिस्टर नहीं किया है अभी तक, वो इस लिंक पर जाकर रजिस्टर कर देना, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आप वहां से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे बात की गई है कि रजिस्ट्रेशन कब से ओपन है, 10 सितंबर से 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर के बाद जो है ये आपकी विंडो बंद कर दी जाएगी, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। अभी काफी टाइम है आपके पास, तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग फॉर्म अपना भर देना, क्योंकि लास्ट में फिर प्रॉब्लम आने लगती है। आगे बोला गया है, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट। जो कैंडिडेट है वो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हो तो आप तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, मगर अलग अलग अप्लाई करना है आपको, तीनों का फॉर्म अलग अलग यहाँ पर भरना है, ठीक है। आगे बोला गया है आपको, कैंडिडेट्स आर स्ट्रॉन्गली एडवाइज नॉट टू लॉग इन इनटू एनी अदर वेबसाइट। आप किसी और वेबसाइट से इस पेपर की इंफॉर्मेशन नहीं देखेंगे, आप AWES की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। आगे बोला गया है, हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपकी अपनी पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपका ओटीपी वगैरह सब कुछ क्या आएगा, उसी नंबर और मेल पर आएगा। तो जो आपकी ऑथेंटिक है, जो आपकी चलती है, उसी पर ही आप उसी वही आपको इंफॉर्मेशन डालनी है, अपनी ईमेल से रिलेटेड भी और नंबर से रिलेटेड भी, ठीक है। आगे बोला गया है कि आपका अपना ओटीपी जो है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर मिलेगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आप किस पे आप यू विल बी डायरेक्टेड टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। आप जब लॉगिन कर लेंगे तो आपको खुद डायरेक्ट कर देगा वो किस पे, फॉर्म भरने की तरफ पे। तो आप फॉर्म वहां पे अपने भर लेंगे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है, इफ यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एनी पोस्ट एंड वॉन्ट टू सी इट। अगर आपने अप्लाई कर दिया और आप इसे देखना चाहते हैं तो माई एप्लीकेशन का वहां पे ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना तो आपको आपकी एप्लीकेशन दिख जाएगी। If you don't receive the OTP in your email box, अगर आपको email box में OTP नहीं दिखेगा तो अपना spam box check कर लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। You can edit your post and other details anytime before submitting the form, ठीक है, except for the basic details provided on the first page, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप submit करने से पहले पहले अपनी जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है उसे आप एडिट कर सकते हो, मगर सबमिट करने से पहले पहले, ठीक है। सबमिट करने के बाद फिर आप उसे एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। बोला गया है, व्हाइल फिलिंग आउट द ऑनलाइन फॉर्म, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपको अपना रिसेंट फोटोग्राफ चाहिए होगा, ठीक है, सिग्नेचर चाहिए होंगे, प्रूफ चाहिए होगा डेट ऑफ बर्थ का, वो आपके बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है और आपकी 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी, ठीक है। आगे बोला गया है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू केयरफुली फिल एंड वेरीफाई द डिटेल्स फिल इन दी। आपको ध्यान से अपनी सारी डिटेल्स वहां पर भरनी होंगी फाइनल सबमिट करने से पहले, ठीक है। द नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ हिज फादर एंड मदर के स्पेलिंग, हर किसी के नाम की स्पेलिंग, अपने नाम की स्पेलिंग आपको क्या है बिल्कुल सही डालनी है। और जो आपके सर्टिफिकेट्स में है, मार्कशीट में है, आइडेंटिटी प्रूफ में है, वो अगर वो मैच नहीं करती है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। एग्जाम फीस आपकी रहेगी 385 रुपीज। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको खुद डायरेक्ट कर देगा फीस पे करने के लिए, तो आपको 385 वहां पे करने हैं। आप किस किस मोड से कर सकते हो, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप वहां पर पेमेंट अपनी कर सकते हैं। 385 का आपका पेमेंट रहेगा। कैंडिडेट्स मस्ट कीप द प्रिंट आउट, ठीक है। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भर लोगे तो आपको एक ऑप्शन ऊपर दिया जाता है प्रिंट का, तो आप वहां से प्रिंट करके उस एप्लीकेशन को अपनी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। फिर आगे इंफॉर्मेशन दी गई है आपको, अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, जब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन मैसेज। आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा मेल के थ्रू और SMS के थ्रू, ठीक है।
केयरफुली रिव्यू एंड फिल इन ऑल द डिटेल्स, ये आपको बता चुके हैं कि आपको क्या कर लेना है फी सबमिट करने से पहले, एक बार अपनी सारी डिटेल्स को एक बार रिव्यू कर लेना, दोबारा से चेक कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट होनी चाहिए। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हुई तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। फॉर असिस्टेंस बिफोर एग्जामिनेशन, अगर आपको एग्जाम से पहले किसी कुछ परेशानी है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया है और अपनी ईमेल आईडी भी यहाँ पर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सब पढ़ लें तो आपको लिखा है यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, ये ब्लिंक हो रहा है, देखो रजिस्टर हियर, इसे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आप रजिस्टर पे जाओगे तो ये पेज आपको खुलकर आएगा, इस पेज पर आपको अपनी ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर डाल देना है और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देना है और लॉगिन कर देना है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आपने लॉगिन कर रखा है तो ये आपके मोबाइल पे आ चुका होगा, अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ है तो आप यहाँ पे रजिस्टर हियर पे जाओगे और यहाँ पे अपने डिटेल्स भरकर क्या है आपने नाम डालोगे, मोबाइल नंबर डालोगे, एकदम सही इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपका आधार कार्ड पे जैसा नाम है उस तरीके से, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आप अपना यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। पासवर्ड आप बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू कर लेंगे और उसके बाद आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब आपको जब लॉगिन करना होगा तो लॉगिन आप किस इंफॉर्मेशन से करेंगे, उस इंफॉर्मेशन से जो आपके फोन पे ऑलरेडी आपको ये रजिस्टर करने के बाद दे दी गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 23 नवंबर है और बोला गया है कि अगर 23 नवंबर को आपका पेपर नहीं हो पाया, कोई और पेपर आ गया या कुछ ऐसी परेशानी हो गई, तो 25 नवंबर को वो पेपर आपका कंफर्म होगा। तो अभी जो आपकी लेटेस्ट डेट है वो 23 नवंबर है, तो सभी जो भी ये फॉर्म भरना चाहते हैं 25 अक्टूबर से पहले पहले इस फॉर्म को आपको भर देना है। तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आपके पास लेकर आई थी, फिर आपसे मुलाकात होगी, सभी अपना ख्याल रखना आप लोग, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।